के इश्क धड़के तो मजा है, हो तो से पढ़ ले वो जो तो पे लिखा है। ये कैसे हैं आप? तो फाइनली बीज बोने के बाद फसल काटने का वक्त आ चुका है, यानी कि रिश्तों का आदान प्रदान करने के बाद साल महीने हफ्ते वेट किया और दिल को बेकरार किया। हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 400 बरस लगे, ये हफ्ते कैसे होंगे पार नहीं कर सकता मैं, एक दिन भी इंतजार। तो शादी वाला दिन आता है, नॉर्मल शादी में क्या होता है, गाना बजाना, हल्दी मेहंदी और कुछ फूफड़ रूठ जाते हैं। लेकिन मैंने बोला लेकिन, ये नॉर्मल शादी वाली बात, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेवल वाली शादियों की। तो चलिए मिलकर मजे लेते हैं। अब अपनी ही शादी के दिन बाराती जैसी हरकत करोगे, 4 बोतल वोदका काम इन करो जैसा काम करोगे, तो जरा सा नहीं बहुत तो झूमो गई। वरमाला भी ढंग से नहीं डाली, वरमाला की जगह खुद गिर गई। तो बेटा थोड़ा इंतजार कर लेती, नहीं वरमाला के बाद पैग लगा लेती। आसाम में देखिए, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब आप माला पहनाइए शांति से, हाथों सामने देखिए। ये लोग होते हैं जिन्हें शादी की थोड़ी भी एक्साइटमेंट नहीं होती है, दूसरी तरफ इतने एक्साइटेड लोग होते हैं जैसे कि मैट्रिमोनियल साइट के इतने सारे धक्के खाने के बाद उनके घर के बाद रिश्तों की लाइन लग गई, जैसे चिंटू के घर के बाद इन्वेस्टर्स की लाइन लगती है। क्यों चिंटू ने व्हाइट हैट जूनियर पे कोडिंग सीखा, ऐप बनाया, उसके ऐप पे इन्वेस्ट करने किसने इस उम्र में ऐप बनाया, ऐसा लगा मेरा मजाक। पहले तुम लड़ी लो, कोई कंपटीशन चल रहा है कि पहले मैं माला पहनाऊंगा। और माला पहनाई किसी ने नहीं, टूट गई। और नीचे से बच्चे भी बोल रहे हैं, ओए होए माला टूट गई ओए। लड़की को ऊंची कूद का शौक था, नहीं शादी वाले दिन ऊंची कूद दिखाने के चक्कर में हादसा हो गया। और दिखा फैशन, बन पापा की परी। ये कोई शायद साउथ इंडियन मैरिज चल रही है, फोटो के लिए पोज दिए जा रहे हैं नदियां किनारे, बट लड़की को सडनली याद आता है, अरे ये तो वो लड़का ही नहीं है जिसने मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी फोटो भेजी थी। अच्छे बेटा फेक प्रोफाइल, धोखा तो खा धक्का। अब यहाँ पे एक शादी हो रही है, नहीं जहाँ पे लड़का ना बिल्कुल हार मान चुका था, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि यार उसकी शादी हो रही है मैट्रिमोनियल साइट पर, तो उसने फिल्टर वाली इतनी फोटो लगाई, फेक प्रोफाइल बनाई, तब जाकर धोखे से एक लड़की फंसी। तो मैं इसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा, नहीं पंडित से प्रसाद भी लेना भूल गया। इतनी खुशी यहाँ पे अच्छी खासी शादी चल रही है। बीवी के साथ ऐसी हरकत करोगे तो बेटा थप्पड़ तो मिलेगा ही नहीं। और यही नतीजा होता है जब आप सस्ता नशे करने वाले लोगों को बारात में लेकर जाते हैं, और हद तो यही नहीं हुई, भाई साहब आगे देखो।
नहीं भाई साहब कोई पासम पास गेम चल रहा है? नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे? पहले लड़की ने दूल्हे के दोस्त को थप्पड़ मारा, अब उस लड़के ने दूसरी लड़की को थप्पड़ मारा, वो लड़की बच्चे को थप्पड़ मारेगी? नहीं मतलब क्या चल रहा है, कोई गेम चल रहा है या फिर शादी चल रही है? Hell man, what is the happening in this house? I can't understand. No. ठाट मटक के झटक के चलती हूँ भटका के ध्यान तेरा, मेरे इस चलने पे तूने कुछ लिखा है, पब्लिक को दे दिया ज्ञान मेरा। ओ सर जी मैं तेरी बहन नहीं है, धीरे चलो मुझे मालूम कोई घाई नहीं है बस। अब कुछ ऐसे लड़के होते हैं जिनकी कम उम्र में ही शादी कर दी जाती है। अब लड़के की कम उम्र में शादी करोगे तो कुछ ऐसा देखने को तो मिलेगा ही। नहीं अब नहीं पता इस छोरी को किस बात की इतनी खुशी है, नहीं पता कि ये टिकटॉकर है या टिकटॉक की सफाई। अबे जल्दी कल सुबह पनवेल निकलना है। हे नहीं भाई साहब गुस्सा देख रहे हो लड़ने का, मतलब माला ऐसे फेंक दी। यही हाल होता है जब मम्मी की पसंद की लड़की आती है तो माला ऐसे ही फेंकी जाती है। मतलब इस साला ऐसा लग रहा है शादी भी किसी खंडर में हो रही हो जहाँ पे लाइट नहीं है, फ्रिज नहीं है, फैन नहीं है। तो भाई साहब लड़के को गुस्सा आना तो लाजमी है, और लड़की का भी मूड नहीं लग रहा है शादी करने का। देखो शादी का टाइम है तो डांस तो हो गई, यहाँ पे सरदार जी का एवरग्रीन वाला डांस देखो। लगता है सरदार जी की दूसरी शादी हो रही है। नहीं क्या पता पहली भी हो, हमें कौन सा इन्होंने अपनी शादी में बुलाया था। अब देखो इसके बाद आता है कुकड़ू डांस। और नागिन डांस के बिना तो कोई शादी पूरी हो ही नहीं सकती। फाइनली मोस्ट पॉपुलर डांस जो बेनाम है। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन? अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन? अब विदाई का टाइम है तो कुछ दूर के ऐसे रिश्तेदार होते हैं जिन्होंने आज तक शायद लड़की को देखा भी ना हो, पर विदाई का टाइम है रोना तो है ही, तो कुछ ऐसे रोते हैं वो दूर के रिश्तेदार। साला लड़की भी सोच रही होगी शादी में ना बुलाते तो ही बेहतर था। अब हंसना मना है भाई, दूर के रिश्तेदार है, लॉन्ग जंप में इंटरेस्ट था, उसने लॉन्ग जंप मारी तो बेचारी लड़की स्टेज से ही जा गिरी। शादी का टाइम है, ऐसी फनी शादी को ना मजा लेते रहिए। और सिंगल लोने जिनके दिलों में फूटे है क्रेजी कुछ अरमा। वो अपनी बारी का इंतजार करें, लेकिन हम वीडियो को अपनी यहीं पे विराम देते हैं। नाउ दैट्स द एंड ऑफ वीडियो, नाउ डिंपी साइनिंग ऑफ। आपको वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, ब्रश करते हैं तो हंसते रहिए। नमस्कार। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको?